बुजुर्गों को इस आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही साथ जो बस वाले वाले हैं, ट्रक वाले हैं, ऑटो वाले हैं, दुकानदार वाले हैं, बाजार वाले हैं, सबों ने स्वेच्छा से बंद करके जो लगातार दो दिनों का आंदोलन को ऐतिहासिक बंदी बनाया है उसके लिए सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। चूँकि झारखंड बनने के बाद 23 साल का इतिहास में लगातार दो दिन 48 घंटा का बंदी पहली बार हुआ है और बंदी का असर इतना ऐतिहासिक हुआ कि झारखंड सरकार के बने 4 साल के कार्यकाल में पहली बार एक समन्वय समिति का बैठक हुआ जिसमें समीक्षा की बातें भी कही गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का झारखंड दौरा जो देवघर में था वो स्थगित हो गया। रेलवे में भी इसका असर देखा गया, जो वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल था उसको रद्द कर दिया गया। बिहार के कोई एक्टर आने वाले थे कार्यक्रम पे, उसको भी बंद किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। ये तो बस गिना नहीं सकते, तो गिना चुना है। इसके अलावा 3.25 करोड़ व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना कार्यक्रम को फेरबदल नहीं किए होंगे। और यह एक झारखंडी चट्टानी एकता का पहचान दिए, जागरूकता का पहचान दिए, इसके लिए धन्यवाद। और जो प्रशासन के द्वारा हम लोग को गिरफ्तार किया गया, अभी रिहाई हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।